शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। रविवार को शहर में 7000 के ऊपर संक्रमित मिले, लगभग 85 लोगों की मौत हो गई। शहर में 50,000 के आसपास लोग आइसोलेशन में हैं। संक्रमण अपना विकराल रूप धारण कर चुका है, मानो यमराज जी शहर में तंबू गाड़ कर बैठ गए हैं। ऐसे में शहर में राशन दुकानों पर पॉस मशीन द्वारा वितरण किया जा रहा है, ग्राहक का अंगूठा लेकर उन्हें अनाज दिया जा रहा है। इससे कई राशन दुकानदार संक्रमित हो रहे हैं। हर दिन 10 से 12 दुकानदार संक्रमित हो रहे हैं तो कुछ अस्पताल में भर्ती है। 5 से 6 दुकानदार वेंटिलेटर पर है, परिस्थिति बहुत गंभीर है। इसी विषय में राशन दुकानदारों ने जिलाधिकारी को पॉस मशीन पर स्वयं दुकानदारों की डीलर नॉमिनी करके अनाज वितरण करने का निवेदन दिया। जिलाधिकारी ने भी शासन को यह प्रस्ताव भेज दिया, पर शासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। शासन की ओर से यह प्रस्ताव की पूछ परत तक नहीं हुई और शासन ने इन दुकानदारों को मरने के लिए छोड़ दिया। शहर में संक्रमण की वजह से बहुत से कार्ड धारक संक्रमित है, किसी का पूरा परिवार संक्रमित है। दुकान में अनाज लेने हेतु नहीं आ सकते, पर देना भी जरूरी है। ऐसे में लोगों का राशन कार्ड लेकर दुकान पर आता है तो अनाज दिया जा सकता है। वह शर्त शासन की ओर से मशीन पर दुकानदारों की डीलर नॉमिनी की जाए तो ऐसे लोगों को मिल सकता है, पर अपने खवैये पर मजबूर है। राशन दुकानदार संघ के माध्यम से निर्णय लिया गया कि शहर का हर दुकानदार अनाज वितरण को तैयार है, पर वह मैन्युअली यानी ऑफलाइन पद्धति से बांटेंगे, क्योंकि हर दुकानदार अपनी जान जोखिम मीन नहीं डाल सकता। इन राशन दुकानदारों का भी घर परिवार है। अब जब तक पॉस मशीन पर इन्हीं दुकानदारों को डीलर नॉमिनी करके अनाज वितरण का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक नागपुर शहर का अनाज वितरण बंद रहेगा। यह पॉस मशीन राशन दुकानदार पुरोठा अधिकारी कार्यालय में जमा कर देंगे और अनाज का वितरण पूरी तरह से बंद रहेगा, ऐसा एक प्रसिद्धि पत्रक में अध्यक्ष गुड्डू अग्रवाल ने कहा है। नागपुर शहर में 650 राशन की दुकानें हैं। सरकार को बार बार पत्र व्यवहार करने के बाद में भी छगन भुजबल साहब, जिलाधिकारी साहब, अन्न धन्य वितरण अधिकारी साहब, सबको पत्र व्यवहार किया, लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक के कोई हमारे को जवाब नहीं मिला। जवाब ना मिलने की वजह से आज ये परिस्थिति आ गई राशन दुकानदारों पे कि आज से राशन दुकान की जो पॉस मशीन लगी हुई है वो राशन दुकानदार संगठन कार्यालय में जमा हो रही है एक एक करके, और आने वाले समय में 2-4 दिन से शहर में अनाज का वितरण बंद किया जाएगा पॉस मशीन के थ्रू। हमारी मांग यही है सरकार से कि हमको ऑफलाइन पद्धति से माल बांटने की परमिशन दिया जाए, ताकि गरीब जनता को उसके हक का राशन मिले, लेकिन सरकार हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रही है और हमारे दुकानदार दिन पे दिन संक्रमित होते जा रहे कोरोना से। इस शहर अभी शहर में 7000 7500 ऐसे मरीज मिलते जा रहे, लेकिन सरकार राशन दुकानदार के प्रति रवैया जो अपना रही है बहुत गलत रवैया अपना रही है, इसके वजह से हमें ये कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।